मतदान के दौरान आपसी झगड़े के बाद इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मृतक के दाह संस्कार में शामिल हुए। चौहान ने मृतक के परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस और कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। चौहान ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम कमलनाथ के इशारे पर हत्या को अंजाम दिया गया है। प्रशासन पूरे मामले में कमलनाथ सरकार के दबाव में अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। पूर्व सीएम चौहान ने हमले में घायल लोगों से हालचाल भी पूछा। वहीं मृतक के परिवार को पार्टी फंड से तत्काल 5 लाख की आर्थिक मदद करने की बात कही। आपको बता दें कि रविवार को पालिया गांव में वोट देने को लेकर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया था, जिस कांग्रेस नेता अरुण शर्मा और उसके बेटों ने बीजेपी कार्यकर्ता नेमी चंद तवर नाम के एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। धमकाएंगे, चमकाएंगे और फिर ऐसे मरवाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर। आज मैं यहाँ आया, मेरे आने की सूचना पहले से थी। अब पीएम में इतनी देर की जाती पोस्टमार्टम में, जानबूझ के मामले अटकाने की कोशिश की गई, देरी लगाई गई, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। हम मध्य प्रदेश को बंगाल नहीं बनने देंगे। इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, अपराधी जो भी है गिरफ्तार हो, तत्काल गिरफ्तार किया जाए, युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की व्यवस्था करें। राजनीतिक संरक्षण देने के प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे नहीं कि जब चाहो तब मार दो। अगर न्याय नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी फिर सड़कों पर संघर्ष करेगी। ये पूरी टीम पीड़ित परिवार के साथ है और जानबूझकर मध्य प्रदेश में अपनी पराजय देख के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही, झूठ बोलती है। सरकार कर्जा माफ कर दिया, बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, 83 वचन वादे पूरे कर दिए, वादे पूरे करते नहीं बना तो दादागिरी करके वोट हासिल करने की कोशिश की। ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही बात तो यह है कि जो नतीजे 23 तारीख को आने वाले हैं, 1, 2, 4 क्षेत्र में हारते तो मंत्रियों से इस्तीफा लेते, अब पूरे प्रदेश में ही हार रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? वही इस्तीफा दे, पूरा मंत्रिमंडल का है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है अगर इसको मापदंड मानते हैं। वहीं शहर से 20 किलोमीटर दूर हुई इस हत्या का आरोप कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम सिलावट के नजदीकी पर लगा है, जिस पर इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी का कहना है कि ये पूरा मामला दुखद है, साथ ही बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। सिंघवी ने कहा है कि हत्या करने वाला कांग्रेस नेता का बेटा बीजेपी के लिए काम करता था, लेकिन उसके पिता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। इसी विवाद में ये घटना हुई जिसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। नेता की मौत हुई है, उसमें कांग्रेस के कुछ लोगों का नाम आ रहा है, पालिया की घटना है, क्या देखते हैं आप लोग? आपके मंत्री, एक मंत्री हैं उनके तुलसी दिया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्हीं का कार्यकर्ता था वो। देखिए, मैंने रात को घटना मालूम पड़ी है मेरे को। उस लड़के के पिताजी को उन्होंने धक्का दिया, मारा और उसके बाद ये घटना हुई। अरुण शर्मा जी का एक नाम है उस पर, अरुण भी अक्सर जिसकी हरकत उस आदमी को नहीं करना चाहिए। क्या चुनाव आप नारेबाजी करो, सब करो, लेकिन हाथापाई नहीं करना चाहिए। घटना पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करी, उसके बाद ये कोई घटना हुई है समझ में आता। पुलिस का भी ये कहना है कि वोट के पीछे झगड़ा हुआ था, वोट डालने की बात को लेकर, ये पुलिस का कहना है। हाँ, झगड़ा तो हुआ है ना, और अरुण अकेले थे, अरुण को पकड़ भी लिया था उन्होंने, जब लड़का भक्के गया ऐसा कोई कह रहा है।
लेकिन अभी मुझे पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है वहाँ की, लेकिन घटना तो हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने आज आरोप लगाया है कि सरकार ने ये सब करवा रही है। सरकार क्यों कराएगी यार, हम पे आज तक कोई गंदा आरोप नहीं लगा। घटना यहाँ से कितने किलोमीटर दूर हुई, सरकार को क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। चुनाव में झगड़ा हुआ है, पूरे को मालूम पड़ गया है कि झगड़ा क्यों हुआ है। अरुण भैया को पकड़ लिया था हमने, अरुण भैया को मारा इसलिए झगड़ा हुआ है। तो वो तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो मैं आपसे पूछ, उससे आरोप लगाने से क्या होगा। घटना क्या हुई है अभी आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है। आपके पास फोटो है ना, बता दो उनको। आज तक जितनी घटना हुई भारतीय जनता पार्टी वालों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों के से की, वो रतलाम की घटना हुई, वो जहाँ भी घटना हुई सब पकड़ाए कौन, बीजेपी वाले। किसी कांग्रेस वाले ने तो नहीं मार दिया ना। और अभी भी जो घटना हुई वो देश में हुई है, और उनके पिताजी के साथ हरकत करने के कारण। ये किसी कांग्रेस के आदमी ने जाके गोली मार दी ऐसा नहीं हुआ है। वो लड़का भारतीय जनता पार्टी का काम करता है ऑलरेडी, सबको मालूम, लेकिन उसके पिताजी के साथ हरकत हुई इसलिए हरकत। उसमें ऐसा भी है कि अरुण भैया का लड़का है वो, और वो भारतीय जनता पार्टी का काम भी करता था, अरुण भैया कांग्रेस का करता था, उसमें ऐसा भी है। लेकिन जब बाप के साथ हरकत हो गई तो ये घटना हुई। अरे मैं इस पर दुख है मेरे को किसी के मरने का, मैं इस पर कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। आप फिर बात समझिए, मैं भी किसी हिंसा को बढ़ावा देता हूँ, आप बात फिर समझिए। लेकिन घटना कोई कांग्रेस ने करी है नहीं है कि कोई पहल हो गई है, ये घटना हो गई है बस। पूरे चुनाव में एक ही घटना हुई है, कहीं मारपीट हो कहीं हो, और मेरे तो चौथा चुनाव है ना, मैं तो सामने वाले अल्लाह जी पे आरोप भी नहीं लगाता हूँ। इतने सारे किस्से थे, मैंने एक आरोप लगाया, फाइल की फाइल लोग मेरे को देगा, मैंने कोई आरोप लगाया। अब वो अपना चुनाव लड़े, मैं अपना चुनाव लड़ूँ। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उनके अभी। इधर हत्या के विरोध में सोमवार को पालिया गांव स्थित अरविंद हॉस्पिटल के बाहर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। वहीं इस हत्या के बाद बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, तो पुलिस फरार हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है। ऐसे में देखना होगा कि हत्यारोपी कब पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।